गाइस, क्या हाल है आप सभी का। स्वागत करता हूँ एक नए वीडियो में रशिया सीरीज के, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसका कारण ये कि ये पूरा रशिया टूरिस्ट वीजा पे बेस्ड है, पूरा डेडिकेटेड है। इसमें स्टेप टू स्टेप समझाऊंगा इस वीडियो में कि आपको भी एज एन इंडियन पासपोर्ट होल्डर कैसे मिल सकता है इजिली रशिया का टूरिस्ट वीजा। तो हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, केम छो, जय जिनेंद्र एंड वनकम। तो बेसिकली ये तो है सेकंड वीडियो रशिया सीरीज का। जो फर्स्ट वीडियो था उसमें क्या था कि मैं कैसे फ्लाई करके रशिया पहुंचता हूँ मॉस्को एयरपोर्ट पे, उसके बाद मॉस्को से यहाँ सिटी सेंटर में कैसे पहुंचता हूँ, फ्लाइट का डिटेल्स, एयरपोर्ट पे क्या पूछते क्या नहीं पूछते, सारी चीज आपको बताई थी, ठीक है। फिर अर्बट स्ट्रीट में पहुंच के ही वीडियो एंड कर देता हूँ, बिकॉज अर्बट स्ट्रीट में मैं रुका हूँ। ये मेरी हॉस्टल भी अर्बट स्ट्रीट पे है, इसका नाम है बॉक्सटेल हॉस्टल। तो वीजा डिटेल्स सारा चीजें समझाने से पहले मैं ये समझा देता हूँ कि कैसे मैंने हॉस्टल बुक करी है। अब कैसे बुक करी है ये इंपॉर्टेंट क्यों बताना, बिकॉज आज की तारीखों में रशिया पे सैंक्शंस लगे हुए हैं, जिसकी वजह से booking.com वगैरह से आप बुक नहीं कर सकते हो, कुछ भी प्रॉपर्टीज आपको नहीं दिखाएंगे, जिसकी वजह से दूसरा तरीका से आपको बुक करनी पड़ती है हॉस्टल या होटल। दूसरी चीज, कितने में बुक करी वो भी बताऊंगा, और ऑफ कोर्स मेरा हॉस्टल भी बताऊंगा, मेरा बेड भी बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा, ठीक है। तो इस हॉस्टल का नाम है बॉक्सटेल हॉस्टल, जो कि अर्बट स्ट्रीट में ही है मॉस्को में, और ये मैंने गूगल मैप्स के सहारे बुक करी है। मतलब गूगल मैप्स में गया और हॉस्टल वगैरह सर्च करा। पहले तो मैंने सोचा कि कहाँ रुकूं, तो अर्बट स्ट्रीट मैंने सिलेक्ट किया, क्योंकि पिछली बार भी जब रशिया आया था तो अर्बट स्ट्रीट में ही रुका था, वाइन ग्रेट हॉस्टल, लेकिन वो अभी बंद हो चुकी है, जब से ये सब पंगे चल रहे तो वो बंद हो चुकी है, जिसकी वजह से मैंने गूगल मैप्स के सहारे दूसरा हॉस्टल चूज करने को सोचा। यहाँ पे भी किचन विचन सब कुछ है, फ्रिज है, जैसे कि हॉस्टल्स में आम में होता है ना, और छोटा सा गैस है, माइक्रोवेव है, तो दिक्कत वाली बात नहीं होती है। हालांकि हम जाते हैं हमारे सीधे कमरे में, जहाँ पे 16 बेड का पॉड है। जी हाँ, 16 बेड्स है बेसिकली ये पूरे रूम में, और ये रहा मेरा बेड, जिसमें अगर देखो तो चीज तो अच्छी है, मतलब ऐसा कंपार्टमेंट बॉक्स स्टाइल में है, और लेकिन ये पूरा मैसी हो चुका है, बिकॉज ये कोट वोट ऐसे ही बाहर रखने पड़ते हैं ना, क्योंकि थोड़ी भी ठंडी लगी पहन लो फटाक से। और फिर चाबी देते हैं लॉकर का नीचे, तो सामान बड़े बड़े सारे अंदर है, बड़े इन द सेंस वही रक्षक बैग और येलो बैग दोनों अंदर है। रेट की बात करो तो 750 रूबल एक दिन का, ठीक है। एनीवेज, ये मैंने बुकिंग ऐसे किया ना कि गूगल मैप्स में हॉस्टल्स देखे, फिर इनका जब खोला था तो इनके वेबसाइट, गूगल मैप में पता है वेबसाइट भी रहती है, तो इनके वेबसाइट में गया, फिर व्हाट्सएप का, हर एक होटल हॉस्टल है ना अभी रशिया के आज की तारीखों में वेबसाइट दी रखी है, गूगल मैप्स में लिस्ट करी रखी है, और वो वेबसाइट में व्हाट्सएप का भी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, तो वो व्हाट्सएप में गया और फिर उनको डायरेक्ट मैसेज किया मैंने कि भैया मेरे को ये 3 रात 4 रात रुकना है तो क्या भाव लगेगा। तो इन्होंने मेरे को भाव बताया, मैंने कहा कि भैया एक बेड रोक लेना, क्योंकि मैं 4 रात आने वाला हूँ, दैट्स इट, कोई एडवांस पेमेंट वगैरह कुछ देने की जरूरत नहीं। फिर मैं आया, बिकॉज आज की तारीख में आपको भी पता है कि हॉस्टल्स फुल कैसे ही हो गए, कोई टूरिस्ट तो आ नहीं रहे, सिर्फ यहाँ पे भी आधे बेड्स ऑक्यूपाइड है, आधे खाली है। तो जो ऑक्यूपाइड है वो बेसिकली रशिया के ही है, जो गांव खेड़ेगी या फिर इतना बड़ा कंट्री है, तो जो ईस्ट से व्लाडिवोस्टोक से आए हैं कोई, साउथ से सोची साइड से कोई आए है ना, और अगल बगल की कंट्री कजाकिस्तान वगैरह के, दैट्स इट, ठीक है। तो ये आप समझ गए कि कितने में बुक करा है और कैसे बुक करा है, हॉस्टल का दर्शन भी थोड़ा थोड़ा करवा दिया। अब बारी आती है वीजा। तो रशिया का टूरिस्ट वीजा हम इंडियंस के लिए बहुत ही आसान है, और मैं एक्सप्लेनेशन भी इस हिसाब से करूंगा ना, स्टेप बाय स्टेप, कि आपको इजी तरीके से रशिया का वीजा मिल जाएगा। स्टेप नंबर 1 है नो योर डेट्स, आपको आपके डेट्स पता होनी चाहिए। फर्ज करो कि आप प्लान कर रहे हो कि 25 अप्रैल के आसपास सस्ती टिकट मिल रही है दुबई से रशिया या फिर इंडिया से रशिया, कहीं से भी, और आप देख रहे हो कि 15 मई के आसपास वापस आने की सस्ती टिकट मिल रही है और 20-21 दिन का ट्रिप करना है, तो आपको आपके डेट्स पता चल गए कि भैया मेरे को 25 अप्रैल को रशिया जाना है और 15 मई को रशिया से आना है, तो ये डेट्स हो गई कन्फर्म। स्टेप नंबर 2 है नो योर अकोमोडेशन। नो मैटर आप बुकिंग करो ना करो, नो मैटर आप वहीं पे रहो या कहीं और रहो, सिर्फ मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग, कोई भी हॉस्टल या होटल देख लेना गूगल मैप्स में और उसका एड्रेस नोट डाउन कर लेना। जरूरी नहीं है कि आप उसी में बुकिंग करो, जरूरी नहीं है कि वहीं पे रहो, ठीक है। स्टेप नंबर 3 है इनविटेशन लेटर लेना। जी हाँ, रशिया वीजा के लिए आपको इनविटेशन लेटर लगता है, जो कि रशियन किसी कंपनी से आपको लेना पड़ता है, और उसी से फिर आपको रशिया का वीजा मिलेगा। तो बेसिकली इनविटेशन लेटर का प्रोसीजर ये है ना कि डिस्क्रिप्शन में मैं आपको एक लिंक दे रहा हूँ visatourus.com का, और नीचे मेरा कूपन कोड भी है, तो आप अगर वो लिंक से अप्लाई करते हो और मेरा कूपन कोड डालोगे तो आपको फ्लैट 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। इनविटेशन लेटर का रेट है $20 का, तो आपको $18 में ही पड़ जाएगा। दूसरी कोई कंपनियां में इनविटेशन लेटर $25-$30 के नीचे नहीं है, पहली बात। कोई कोई कंपनियां ऑथेंटिक नहीं रहती है, फेक रहती है, और ये जो कंपनी है ये बहुत ही ट्रस्टेड है। इनफैक्ट 2 साल पहले से, मतलब जब भी गया हूँ रशिया तो इसी से मैं लेता हूँ, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इनफैक्ट सेम डे में इनविटेशन लेटर आपको मिल जाता है। अभी इनविटेशन लेटर में आपको डिटेल्स क्या डालने हैं, डेट्स
जो आपने सिलेक्ट करे है, क्योंकि डेट्स के हिसाब से ही आपको वीजा मिलेगा। ऐसा नहीं कि 30 दिन का वीजा मिल गया तो आप 30 दिन पूरा रह सकते हो विद इन 6 मंथ पीरियड में वगैरह, ऐसा कुछ नहीं है। जो आपने डेट डाले ना 20 दिन 15 दिन 18 दिन जो मर्जी आपकी ट्रिप आइटनरी के हिसाब से, उस हिसाब से आपको रशिया का वीजा मिलेगा। तो इन्विटेशन लेटर में भी आपके जो डेट्स फाइनलाइज हुए ना वो डालने हैं, और उसके बाद एकोमोडेशन डालने हैं जो आपने सोचे है कि मॉस्को में इधर रुकूंगा, सेंट पीटर्सबर्ग में इधर रुकूंगा, उस हिसाब से सेम डे में आपको इनविटेशन लेटर मिल जाएगा जिसमें बुकिंग नंबर और रेफरेंस नंबर दो चीजें होगी जो कि वीजा एप्लीकेशन फॉर्म में डालना पड़ता है। तो आपको इनविटेशन लेटर मिल जाएगा। अच्छा हाँ, वो रेफरेंस नंबर और बुकिंग नंबर नहीं होता है, रेफरेंस नंबर और वाउचर नंबर होता है जो कि इनविटेशन लेटर में लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। और 30 डेज के ऊपर आप ट्रिप नहीं कर सकते, तो डेट्स विद इन 30 डेज ही रखना आपकी जर्नी की। तो स्टेप नंबर 4 है वीजा एप्लीकेशन फॉर्म भरना, जिसकी वेबसाइट की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ अगेन। तो उसमें आप जाओगे ना तो बहुत ही आसान फिलअप है, पासपोर्ट डिटेल्स, आपकी पर्सनल डिटेल्स, डेट ऑफ जर्नी वही, और इनविटेशन लेटर के जो भी डिटेल्स है कि कौन सी कंपनी से आपने इनविटेशन लेटर लिया है, उसका एड्रेस, सारी चीज़ें आपको इनविटेशन लेटर में मिल जाएगी। मैं आपको वो वेबसाइट में जाके बताता हूँ ताकि कि आपको ईजिली सब समझ आए। तो बेसिकली ये स्टेप है वीजा एप्लीकेशन फॉर्म भरना ऑनलाइन, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। सबसे पहले कंट्री सिलेक्ट करना इंडिया, उसके बाद आई हैव रेड दिस इन्फॉर्मेशन पे टिक करके कंप्लीट न्यू एप्लीकेशन फॉर्म करना, फिर पासवर्ड पूछेगा, मतलब कुछ जनरेट कर देना, आपका अकाउंट बनाना है बेसिकली सिंपल सा, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लिक करना है। जैसे नेक्स्ट क्लिक करते हो तो सारे पेजेस आपके सामने खुल जाएंगे जो आपको फिल करने हैं, वीज़ा डिटेल्स, पर्सनल डिटेल्स, पासपोर्ट डिटेल्स वगैरह। तो सबसे पहले अपन वीज़ा डिटेल्स भर रहे, कंट्री इंडिया, टूरिज्म पर्पज़ के लिए जा रहे हैं, नंबर ऑफ एंट्री सिंगल, डेट ऑफ एंट्री और डेट ऑफ एग्जिट वही लिखना जो कि इनविटेशन लेटर पे आपने मेंशन करे थे। उसके बाद नेक्स्ट करोगे तो सेकंड पेज खुल जाएगा पर्सनल डिटेल्स, जिसमें आपका सरनेम, फर्स्ट नेम, मिडल नेम, आप मेल हो कि फीमेल, बस वही सब लिखना है, और फिर प्लेस ऑफ बर्थ। और उसके बाद आता है पासपोर्ट डिटेल्स, जिसमें आप पासपोर्ट डिटेल्स सही डालना, मैं तो ऐसे कुछ भी डाल रहा हूँ दिखाने के लिए। उसके बाद आता है विजिट डिटेल्स, मतलब जो जहाँ से आपने इन्विटेशन लेटर लिया है ना, मेरी सबसे VERES नाम है जहाँ से ये अपने इन्विटेशन लेटर लिया है, उसका एड्रेस, रेफरेंस नंबर, कन्फर्मेशन नंबर, सारी चीज़ें आपको ये इन्विटेशन लेटर पर मिल जाएगी, तो ईजिली आप भर सकते हो। उसके बाद सिटी नेम, आप कहाँ जा रहे हो, मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग, ऐड का भी ऑप्शन है, आप डाल सकते हो कजान वगैरह। डू यू हैव एनी मेडिकल इंश्योरेंस, मैंडेटरी नहीं है लेकिन खरीद लेना और फिर उसकी डिटेल्स डाल देना या फिर नो कर देना। उसके बाद योर परमानेंट एड्रेस, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, ये सब डालना है। और डू यू वर्क स्टडी इन प्रेजेंट टाइम, तो ऑफकोर्स ये ऐसी, या तो आप स्टूडेंट हो गए या तो जॉब करते रहोगे, तो जॉब करते हो तो नेम ऑफ एम्प्लॉयर, आपके बॉस का नाम, एड्रेस क्या है, वर्क पोजीशन क्या है, ये सब लिखना है। अगर आप स्टूडेंट हो तो यूनिवर्सिटी का नाम, स्टूडेंट डाल देना, यूनिवर्सिटी का एड्रेस डाल देना एम्प्लॉयर एड्रेस की जगह पे, बस यही करना है। इसके बाद आखिरी पेज है अपॉइंटमेंट डिटेल्स, जहाँ पे मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता, जो भी आपको सिलेक्ट करना है, जो सिटी से अप्लाई करना है, बस दैट्स इट। उसके बाद आपका वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म तैयार हो जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो देखा आपने, फ्री ऑफ कॉस्ट में वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म आपको मिल जाएगा जिसका आपको प्रिंटआउट निकालना है डाउनलोड करके। अब आते हैं स्टेप नंबर 5, जो कि आखिरी स्टेप है टू गेट योर रशिया वीज़ा, ठीक है। और वो स्टेप क्या है, वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर में अपॉइंटमेंट लेना, एम्बेसी, कॉन्सुलेट ऑफिस, जो भी है, ठीक है। अभी आपके पास इनविटेशन लेटर आ गया, अभी आपके पास वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म आ गया, बस यही दो डॉक्यूमेंटेशन की प्रिंटआउट तो चाहिए टू गेट योर वीज़ा, अलॉन्ग विथ योर ओरिजिनल पासपोर्ट एंड फोटो हंसता हुआ, और वीज़ा फीस, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूँ टू गेट अपॉइंटमेंट। मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, दिल्ली, ये चार जगह इनकी कॉन्सुलेट ऑफिस या फिर एम्बेसी आप बोल सकते हो, जहाँ पे आप जाके अप्लाई कर सकते हो। मैं हूँ मुंबई का, तो मैं तो वेबसाइट में गया, अप्लाई इन पर्सन किया, और फिर दूसरे दिन की, नेक्स्ट डे इनकी अपॉइंटमेंट ले ली, जहाँ पे मैं फिर सारे डॉक्यूमेंट्स लेके गया था। मैं आपको वेबसाइट में वो भी चीज़ थोड़ा करके बता देता हूँ शॉर्ट में। ये है आखिरी स्टेप वीज़ा अप्लाई करने के लिए, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए। सबसे पहले कंट्री सिलेक्ट करना इंडिया, फिर ऐसे सब आफ्टर सेल सर्विस के आएंगे जिससे अपने को कोई लेना देना नहीं है, तो क्रॉस मार देना। नीचे काफ़ी सारे वीज़ा के ऑप्शन आएंगे, तो टूरिस्ट वीज़ा पे क्लिक करना। उसके बाद यहाँ पे अप्लाई बाय पोस्ट, अप्लाई इन पर्सन, तो अगर आप खुद अप्लाई कर रहे हो, जैसे कि मैं गया था, है ना, कॉन्सुलेट ऑफिस, तो अप्लाई इन पर्सन करना और फिर वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर पर क्लिक करना। उसके बाद आपको यहाँ पे अपॉइंटमेंट डिटेल्स के ऑप्शन आ जाएंगे, लोकेशन पे आप सिलेक्ट करना, जैसे मैंने मुंबई से अप्लाई करा था तो मैं मुंबई सिलेक्ट किया। और उसके बाद बस ईमेल एड्रेस वगैरह डालना है, आप फिर आपके सामने डेट्स आ जाएंगे, कल या परसों कभी भी आप अप्लाई करने जा सकते हो। तो बस अगर आप जा सकते हो ये चारों शहरों में,
तो बिल्कुल आप अप्लाई इन पर्सन करके कर सकते हो। लेकिन अगर आपका घर दूर है, मान लो आप दूसरे सिटी में रहते हो, चंडीगढ़ में रहते हो और दिल्ली से अप्लाई करना है, जाहिर सी बात है दिल्ली नजदीक है, तो आप अप्लाई बाय पोस्ट का ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हो, जिससे उनके द्वारा कुरियर सर्विस होगी, मतलब वो पिकअप करके जाएंगे और फिर डिलीवर कर देंगे 10 दिनों के बाद या फिर 12 दिन के बाद। तो फ्लाइट्स कृपया करके 20 दिन के बाद की बुक करना, पता नहीं कितना टाइम लगा ना वो वीजा के लिए। वीजा फीस की बात करूँ तो सिंगल एंट्री का 8,300 रुपये के आसपास है, और अगर इमरजेंसी वाला चाहिए तो 15,000 रुपये के आसपास है, जो कि विद इन 3 डेज में मिलता है। ठीक है, तो ये है रेट्स। लेकिन मेरे को दिल्ली कलकत्ता वगैरह का तो नहीं पता, मुंबई में कैसा है कि 8,300 रुपया लेते हैं प्लस 500 कंपलसरी कुरियर चार्ज भी लगाते हैं, क्योंकि लिए मैं गया था डॉक्यूमेंट देने वगैरह, लेकिन वो लोग मेरे को वापस देने आए थे, मतलब उनका बंदा आया था एक हफ्ते बाद टू डिलीवर माय पासपोर्ट विद रशिया वीजा स्टैम्प। तो ये बातें डिपेंड करता है कि कौन से सिटी से हो, तो मेरा तो 8,800 लगा था। और अगर और भी ये फिफ्थ स्टेप के लिए डिटेल्स चाहिए ना, तो आपको कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह सारी चीज़ें वो वेबसाइट में मिल जाएगी दिल्ली का, मुंबई का, तो आप उनसे कॉन्सुलेट ऑफिस में फ़ोन करके पूछ सकते हो कि भाई मैं इधर रहता हूँ, नागपुर में रहता हूँ, इधर रहता हूँ, उधर रहता हूँ, तो कैसे बाय पोस्ट हो सकता है या फिर क्या मेरे को ही आना पड़ेगा, जो भी है आप पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इजीली हो जाता है। हाँ जी गाइस, तो जहाँ से हमने वीडियो की शुरुआत करी वहीं पे बैक टू आ गए, आई मीन बैक टू अपने हॉस्टल, बैक टू अपने पॉड में आ गए। वही कह रहा था कि पांचों स्टेप बहुत ही सिंपल है, जिसके कारण आपको रशिया का टूरिस्ट वीजा इजीली मिल जाएगा, हैजल फ्री मिल जाएगा। अगर रेट की बात करूँ तो 8,800 तो वीजा फीस है, प्लस 1,600 रुपये आपका इन्विटेशन लेटर में लग जाएगा, मतलब 10,000 रुपये से ऊपर ही जाएगा। हालांकि थोड़ा कॉस्टली है, लेकिन इसके प्लस पॉइंट भी है, जैसे कि कोरा पासपोर्ट है तो भी आपको वीजा मिल जाएगा। डॉक्यूमेंटेशन इतने रिक्वायरमेंट नहीं है, जैसे कि फ्लाइट बुकिंग नहीं चाहिए, होटल बुकिंग नहीं चाहिए, इनकम टैक्स का ये सब नहीं चाहिए, आइटनरी वगैरह पूछ है नहीं, सिंपल है, बस 10 दिनों में आ जाता है, वही बात है। उम्मीद करता हूं ये वीडियो में पूरी इंफॉर्मेशन मिल गई हो। थैंक्स अलॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड, लव यू ऑल। नेक्स्ट वीडियो से एक्सप्लोरेशन चालू होगा मॉस्को का, सेंट पीटर्सबर्ग का, काफी सारे सिटीज का, रशिया का बेसिकली, है ना। लव यू ऑल, बाय बाय।